दोस्तों इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट के अंदर बहुत सारे आपको ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर कुछ एक ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इसमें एक कंपनी है हॉप इलेक्ट्रिक। हॉप इलेक्ट्रिक जो है वो काफी तेजी से अपने डीलरशिप नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है और कंपनी ने हाल ही में 2 नए टच पॉइंट्स को ओपन किया है। तो कहां पर ये आपको नए डीलरशिप देखने को मिलेंगे, साथ ही हॉप क्या कुछ ऑफर करता है, कौन सा खास प्रोडक्ट हॉप की तरफ से आता है, इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हॉप इलेक्ट्रिक के बारे में। तो हॉप इलेक्ट्रिक जो है वो फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर 3 प्रोडक्ट ऑफर करता है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और तीसरा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसका नाम है ओक्सो। और ये 2 वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छे फीचर स्पेसिफिकेशन यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले बात करें अगर डीलरशिप्स की टच पॉइंट्स की, तो कंपनी ने यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इटावा, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर नए टच पॉइंट्स को ओपन किया है। 2 नए शोरूम्स जो हैं वो कंपनी की तरफ से खोले गए हैं। अब हॉप की मोटरसाइकिल आपको लखनऊ और इटावा में भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो इस मोटरसाइकिल को आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त फीचर स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। डिज़ाइन स्टाइल की बात करूँ तो नेकेड बाइक्स के जैसा ही आपको डिज़ाइन इसमें देखने को मिलता है। कंप्लीट फाइबर बॉडी का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर कंपनी यूज़ कर रही है। इस बैटरी के साथ में कंपनी मैक्सिमम 150 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रही है। 3 राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे, जैसा कि हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको मिलते हैं, जहां पर इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड है। और हर एक मोड के अंदर आपको स्पीड का डिफरेंस मिलेगा, हर एक मोड के अंदर आपको रेंज जो है वो थोड़ी सी अलग मिलेगी। अगर आप इको मोड में इस बाइक को चलाते हैं तो 150 किलोमीटर तक की रेंज ये निकाल कर दे सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। हालांकि मुझे अभी बाइक टेस्ट करने को नहीं मिली है, जल्दी शायद मिले तो मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगा कि ये कितनी एक्चुअल रेंज आपको दे सकती है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप इस मोटरसाइकिल से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और जो मोटर लगाई गई है उससे लगभग आपको 200 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल जाता है। BLDC हब मोटर जो आपको इसके रियर व्हील में मिलेगी, 17 इंच के आपको व्हील मिलते हैं ट्यूबलेस टायर्स के साथ में। फ्रंट और रियर दोनों जगहों पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। हालांकि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है, ABS वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलता है। इस बाइक के अंदर आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस हैं, बैटरी कितनी है, रेंज क्या आपको मिलेगी वो सब आप यहां पर देख सकते हो। साथ ही यहां पर कंपनी मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर्स भी ऑफर करती है, तो कनेक्टिविटी फीचर्स का फ़ायदा भी आप इस मोटरसाइकिल के साथ में उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई फीचर स्पेसिफिकेशन की बात, डीलरशिप भी खुल गया। बात करें कीमत क्या है, तो 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है और 1,81,000 रुपए के आसपास तक जाती है। 2 वेरिएंट जैसे मैंने कहा हैं और दोनों वेरिएंट में आपको थोड़ा सा फीचर का डिफरेंस मिलेगा, जैसे कि टॉप वेरिएंट में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, रेंज आपको लगभग दोनों ही वेरिएंट में एक जैसी मिल जाती है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली लखनऊ या इटावा से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हॉप ओक्सो को कंसिडर कर सकते हैं। इस मोटरसाइकिल का मुकाबला होता है रिवोल्ट RV 400 जैसी मोटरसाइकिल के साथ में। इसके अलावा टॉर्क की कराटुस आर भी आपको इस सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूं कि आपको हॉप ओक्सो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और साथ ही ऑटो जंक्शन पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनको मिस ना कर पाएं।